स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है और इस रहस्यमयी स्पेस में बहुत सारी घटनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन आज हम उन घटनाओं के बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस स्पेस काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है और स्पेस में आखिर है क्या और ये एक्सपेंड क्यों हो रहा है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेस की कुछ रहस्यमयी वॉइस के बारे में, स्पेस में आने वाली कुछ ऐसी वॉइस जो हमको चौंका कर रख सकती है और जो हमारे कान भी फाड़ सकती है या हमें अच्छी भी लग सकती है, क्योंकि हर लोगों के कान अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर लोग की पसंद अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से उनको वॉइस पसंद आ सकती है। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ हमारे प्यारे ग्रहों की वॉइस, हमारे प्यारे प्लैनेट्स की वॉइस की वो किस तरीके की आवाज़ करते हैं। तो मैं आपको सुनाऊंगा वीनस, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस और सन्स की, और लास्ट में मैं सुनाऊंगा हमारे प्यारे सन की, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी कि सन इस तरीके से वॉइस करता है। तो नंबर वन वीनस। तो वीनस की वॉइस सुन ली होगी आपने, तो आपको क्या लगता है कि वॉइस किसकी हो सकती है, किस तरह की वॉइस आ रही है और इस वॉइस से आप क्या पता लगा सकते हो, मतलब कि इसमें वीनस आखिर होगा क्या। नंबर टू अर्थ। अब हमारे बात करते हैं हमारे प्यारी अर्थ, तो प्यारी अर्थ की आवाज़ सुन लीजिए। तो अर्थ की आवाज़ सुनी, अब आपको अर्थ की आवाज़ सुनकर क्या लग रहा है कि आखिर अर्थ की आवाज़ में हो क्या सकता है, मतलब कि ये किस तरीके की आवाज़, ये आवाज़ है किसकी। तो अब हम चलते हैं नंबर थ्री। नंबर थ्री सैटर्न। तो आप सैटर्न ग्रह की आवाज़ सुन लीजिए। तो सैटर्न ग्रह की आवाज़ सुनी तो किस तरीके की आवाज़ आ रही है यार भाई, सबकी आवाज़ आप कमेंट में बता दो कि इस मतलब कि लिस्ट बनाकर मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना कि ये आवाज़ इसकी है, ये आवाज़ इसकी है। तो आखिर सैटर्न में तो जैसा सैटर्न दिखता है उसी तरीके की आवाज़ आ रही है ना, थोड़ी बहुत फीलिंग आती है कि हाँ ये सैटर्न ग्रह है, मतलब कि सैटर्न की आवाज़ सुनते ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सैटर्न ग्रह की आवाज़ है, क्योंकि भाई उसके हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से और जो उसके चारों तरफ वो कुछ भी है उसके हिसाब से आवाज़ आ रही है। नंबर फोर यूरेनस। तो आप यूरेनस की आवाज़ सुनिए। तो यूरेनस ग्रह थोड़ा बर्फीला मतलब कि वाइट कलर का दिखता है, तो मतलब इसकी आवाज़ ही मतलब अपने आप को पता चल जाता है कि हाँ ये यूरेनस की आवाज़ है, मतलब कि कुछ अपना सा लगता है यूरेनस की आवाज़ में। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सूर्य यानी कि सन की आवाज़। सन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए प्राउड की भी बात है। तो सन की आवाज़ आपने सुन ली होगी कि सन हमारे यानी कि हमारे सूर्य की आवाज़ किस तरीके से आ रही है, मतलब कि सूर्य की जो आवाज़ है वो हमारे प्यारे ओम की आवाज़ है, जैसे हम बोलते हैं ना ओ, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि सन भी जानता है कि एक अर्थ नाम का प्लेनेट एग्जिस्ट करता है और अर्थ में एक भारत जैसा प्यारा देश एग्जिस्ट करता है, इंडिया एग्जिस्ट करता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और जो कि बहुत प्यारी कंट्री है। तो उसकी आवाज़ में सन हमको गुनगुना कर सुना रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तो बाय।